ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जैसा कि हमें और आपको सबको अच्छी तरह ये मालूम है कि 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांतिसार महाराज के उत्तर प्रदेश के बिहार से यानी सम्मेद शिखर की यात्रा के निमित्त से उनका जो पदार्पण हुआ और पूरे भारत में भ्रमण हुआ और उत्तर प्रदेश में भी पदार्पण हुआ, तो उस निमित्त से हजारों नहीं लाखों नहीं, मैं समझती हूँ 2500-2500 लाख जो आज अपने जैन समाज के अनुयायी हैं, जैन धर्म को मानने वाले हैं, सभी उनसे परिचित हुए हैं और दिगंबर चर्या क्या होती इसको अच्छी तरह समझा है। मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगी, दो शब्दों में इतना ही कहूँ कि आचार्य श्री शांतिसार महाराज ने जो अपने संलेखना के समय 26वें उपवास के दिन जो उनका प्रवचन रिकॉर्डिंग किया जा रहा था, उस समय इतना रिकॉर्ड आदि का जमाना नहीं था, व्हाट्सएप का और ये सब इतना टीवी चैनल आदि का, तो लोगों ने निर्णय लिया, हमारे सामने सब निर्णय हुए थे, मुंबई के और सब लोग सज्जन बैठे हुए थे, कि आचार्य श्री के कुछ शब्द टेप रिकॉर्ड में ले लिए जाए जो आगे जाकर के भविष्य में उनकी वाणी हमको सुनने को मिले। तो ये अंतिम उपदेश उनका लिया गया, तो उसमें आचार्य श्री ने एक शब्द बोला जिसमें वो प्रवचन कर रहे थे। हम लोग अंदर में नहीं थे, छोटी गुफा थी कुंथलगिरी में पहाड़ पर, तो उसमें आचार्य श्री रहते थे और उसमें दो चार लोग ही अंदर जाते थे, तो बाहर दरवाजे के पास हम लोग बैठकर सुन रहे थे। धीरे धीरे आवाज़ आ रही थी। आचार्य श्री ने अंतिम प्रवचन में कहा कि बाबा नो संयम धारण करा भीऊ नका, भव्यात्माओं संयम धारण करो डरो मत। मराठी में प्रवचन था क्योंकि मूल भाषा महाराज की मराठी थी, मराठी में उसे बोल रहे थे। उनके शब्द इतने कर्णप्रिय आज भी लग रहे हैं कि संयम से आप डरो मत। तो आचार्य श्री वीर साह जी महाराज के संग में जब हम थे तो इस शब्द पर आचार्य श्री कई बार, आचार्य वीर साह जी महाराज एकदम भावुक हो जाते और एकदम उनके आँखों से अश्रु आ जाते गुरु का स्मरण करते हुए, कि उन्होंने हमें सर्वप्रथम मुनि दीक्षा देकर के संयम देकर के जो हमारे ऊपर अनंत उपकार किए हैं, और आज हम देखते हैं कि जितनी भी साधु परंपरा है अधिकतम यानी यह कहे 90% उन्हीं की पत्र पुष्प की परंपरा है। कुछ भले ही उस समय दूसरे भी आचार्य थे उनकी भी है, तो खास करके संयम से अर्थ इतना ही नहीं है कि मुनि ही बनो, देश संयम, एक देश संयम यानी अनुवृत्ति बनना, ये भी महत्वपूर्ण है। एक सज्जन आचार्य वीरसाज के पास बैठे थे तो आचार्य महाराज उनको रोज रोज प्रेरणा देते थे, तुम दो प्रतिमा के व्रत ले लो या अनुवृत्ति बन जाओ। तो वो कहते अच्छा कल महाराज जी कल विचार करेंगे, परसों विचार करके आएंगे। तो एक दिन महाराज ने आचार्य श्री वीरसार महाराज ने, हम लोग बैठे थे सामने ही, बोले ये 1956 की बात है, जयपुर के थे एक सज्जन, कि क्या तेरे को नरक आयु बंध गई? जरा जोर से बोले, गुस्से में नहीं थे लेकिन फिर भी जोर से बोले। ये तो वो भी सहम गए, हम लोग सब सहम गए, एकदम आश्चर्य से देखने लग गए, ऐसा आचार्य श्री ने क्यों कहा? बोले जिसके नरक आयु बंध जाएगी वो अनुवृत्ति नहीं बनेगा, 5 अनुव्रत नहीं लेगा, जिसके नरक आयु बंध जाएगी 5 अनुव्रत नहीं लेगा, महाव्रती नहीं बनेगा, ये नियम है। अनुवृत्ति नियम से देव पर्याय को ही पाएगा, ये नियम है, अखंड नियम है। अनुवद महाबदाय नढ़ाई देवाउगम मोतो, देवायु को छोड़ करके अनुवृत्ति महावृत्ति और किसी योनि में नहीं जा सकता, ये नियम है, अकाट नियम है,
चाहे तिर्यंच हो चाहे मनुष्य हो, अणुवृत्ति बनेगा तो देवायु ही मिलेगी, देव पर्याय ही मिलेगी, देवायु ही बंधेगी। और अगर तीन आयु कोई बंध गई, नरक आयु, तिरंजाय, मनुष्य आयु, तो वो अणुवृत्ति नहीं बन सकता। तो एकदम उनका नाम था रामचंद्र कोठारी, एकदम सहम गए और तत्काल ही नारियल लेकर आए, बोले आचार्य श्री मुझे दो प्रतिमा के व्रत दे दीजिए। उसी समय उन्होंने व्रत ग्रहण किए। बोले आचार्य श्री के शब्द हृदय को स्पर्श करते हैं, गुरु के शब्द हृदय को स्पर्श करते हैं। तो बात यही है, अणुव्रत बहुत सहज है। अभी तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, कल इसकी व्याख्या चंद्रावती बता देंगे अणुव्रत की। आप सभी अणुव्रत दे सकते हैं। दिल्ली में मैंने प्रवचन किया, एक छोटा सा बालक अतिशय नाम, आज तो बड़ा हो गया है, अनिल जैन का बेटा, हो सकता है यहाँ आए, आप आ सकता है, और अभी आपने शायद देखा होगा, वो 7 बरस का था, 7.5 बरस का, 7.5 बरस में आ गई अणुव्रत देने की योग्यता। और खड़े होकर बोला मेरे को अणुव्रत दे दीजिए, अणुव्रति बन गया, परिग्रह का प्रमाण जो भी लिखा दिया। उसके पिताजी, माँ और पिताजी दोनों 2 घंटे बाद आए, बोले मेरे को अणुव्रत दे दीजिए। और उस सभा में जितने लोग थे सभी ने प्राय अणुव्रत दे दिए। तो आप लोग सबको अणुव्रति बनना है, इस पर कल विशेष रूप में और व्याख्या हो जाएगी, समझ लेंगे। अणुव्रति बन करके देवायु का टिकट लेना है, समझे। ये टिकैत नगर, देवसुसन जी महाराज ने कहा था, ये टिकैत नगर टिकट देती है, देवगति का टिकट देती है, चारों गति का टिकट देती। चारों गति का तो लेना नहीं है, देवगति का लेना है। सबको ध्यान रखना है, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।